क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े जानवर की हार्ट बीट दुनिया में सबसे कम होती है, और इन देशों में अगर आप कोका कोला पियोगे तो आपको शायद जेल भी हो सकती है। और दुनिया की सबसे महंगी घड़ी कितने में बिकी थी, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो मेरा नाम है विवेक एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टॉप अप्स। फैक्ट नंबर 10, जैसे कि हम जानते हैं वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, और आज हम में से हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है, इसलिए डे बाई डे सोशल मीडिया का यूज़ और क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर। और आज इंस्टाग्राम के पास करीब 1 बिलियन यूज़र्स हो चुके हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसमें से 250 मिलियन यूज़र्स हर समय एक्टिव रहते हैं, यानी उनकी लाइफ का ज़्यादातर समय वो इंस्टाग्राम पर ही रहते हैं या फिर कह लो कि वेस्ट करते हैं। और आपको पता है इंस्टाग्राम की सबसे पहली पोस्ट एक कुत्ते की थी, जो 16 जुलाई 2010 को इंस्टाग्राम के को फाउंडर केविन द्वारा पोस्ट की गई थी। जैसे चांद पर सबसे पहले जाने वाला जीव एक कुत्ता ही था, कुछ कुत्ते भी नसीब वाले होते हैं। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक कोका कोला है, जो हम में से हर किसी को पसंद है, और दुनिया में ज़्यादातर सभी फास्ट फूड के साथ भी कोका कोला ही मोस्टली सर्व होता है। लेकिन दुनिया में दो देश ऐसे भी है जहाँ पर आप कोका कोला नहीं पी सकते हो, जिसमें नॉर्थ कोरिया और क्यूबा शामिल है, क्योंकि इन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने कोका कोला को बैन किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी और प्रोडक्ट है, और आप जानते ही होंगे कि इन दोनों देशों के ताल्लुकात अमेरिका के साथ कैसे चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों देशों ने कोका कोला को बैन किया हुआ है। अगर आप कभी भी वहाँ पर जाओ तो कोका कोला को मांगना मत। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है उन देशों में जहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स और नियमों को अच्छी तरीके से पालन करते हैं या फिर कह लो कि फॉलो करते हैं, वहाँ पर एक एवरेज पर्सन अपनी लाइफ का करीब 6 महीने जितना टाइम ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट से ग्रीन लाइट टर्न होने के लिए वेट करता है, यानी वो सिर्फ 6 महीने इसलिए देते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल या फिर नियमों को पालन कर सके, उसको फॉलो कर सके। अगर इनके कंपेरिजन में अब इंडिया को लाए तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में रूल्स कितने माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है स्वीडन में जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है, बाद में उस ब्लड को किसी इंसान में चढ़ाया जाता है, तब उस ब्लड डोनर को टेक्स्ट मैसेज मिलता है और नोटिफाई किया जाता है कि आज आपके ब्लड के वजह से इस इंसान की जान बची है। ऐसा इसलिए करा जाता है कि वहाँ के लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता है। ऐसा सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए, नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, नेदरलैंड में N44 मोटरवे नामक एक ब्रिज बनाया गया है, वो करीब 1,12,00,000 रुपये में बनकर तैयार हुआ था। अब आपको इसमें ऐसी फैक्ट वाली बात क्या है, लेकिन ये ब्रिज किसी इंसानों के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि स्क्विरल्स के लिए बनाया गया है, गिलहरियों के लिए, क्योंकि रोड क्रॉस करते समय कोई भी गिलहरिया वाहनों के साथ एक्सीडेंट में मारी ना जाए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हैरानी वाली और सोचने वाली बात यह भी है कि सिर्फ 5 गिलहरियों को ही इस ब्रिज का यूज़ करते हुए देखा गया है। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में जो हम कॉइन यूज़ करते हैं या फिर चिल्लर यूज़ करते हैं, वो आप खुद पता लगा सकते हो कि आपके पास जो कॉइन है वो कहाँ से बनकर आया है, किस फैक्ट्री से बनकर आया है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो हमारे पास जो चिल्लर होता है उसमें नीचे की ओर बॉटम साइड में 3 प्रकार के मार्क्स होते हैं, डायमंड, डॉट और स्टार। इस तीनों मार्क्स को मिंट मार्क भी कहते हैं। अगर आपके कॉइन में डायमंड शेप का मिंट मार्क है, मतलब आपका कॉइन मुंबई में बना है। अगर आपके कॉइन में स्टार सिंबल है, मतलब आपका कॉइन हैदराबाद में बना है। अगर आपके कॉइन में डॉट है, मतलब आपका कॉइन नोएडा में बना है। अगर इन तीनों में से आपके कॉइन में कोई भी मार्क नहीं है, मतलब आपका कॉइन कोलकाता में बना है। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि हमारा कॉइन कहाँ से बनकर आया है। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी पेटेक फिलिप एक ऑक्शन में $31 मिलियन यानी करीब इंडिया के 217 करोड़ रुपए में बिकी थी, जो एक रिकॉर्ड है। उससे पहले यह रिकॉर्ड रोलेक्स की एक घड़ी का था, जो करीब $17.75 मिलियन में बिकी थी। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है हमारे सौरमंडल में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर डायमंड की बारिश होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पानी की बारिश नहीं होती बल्कि डायमंड की बारिश होती है, जो हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह है, जिसका नाम है नेपच्यून। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर अधिक मात्रा में CH4 मीथेन पाया जाता है, और जब भी वहाँ पर कोई तूफान आता है तब मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन में डिवाइड हो जाता है। और आपको पता ही है कि डायमंड्स कार्बन के बने हुए होते हैं, और वो कार्बन्स वहाँ के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर नॉर्मली हीरो की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 2, हमें पता है कि सभ्य दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है, और वो साल भर में इतनी सैंडविचेस बनाती है, अगर हम उसे साथ में रख दें और कुछ चेन जैसा बना ले तो हम उससे पृथ्वी के 14 राउंड लगा सकते हैं, 14 चक्कर लगा सकते हैं। इससे पता लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं। फैक्ट नंबर 1, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूँ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? डायनासोर्स? तो आप 100% गलत हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है, जो आज भी है, और आज से करीब लाखों साल पहले जब डायनासोर्स थे तब भी ब्लू व्हेल ही दुनिया का सबसे बड़ा जानवर था।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा जानवर होते हुए भी ब्लू व्हेल्स की हार्ट बीट दुनिया में सबसे कम होती है, क्योंकि नॉर्मली व्हेल्स की हार्ट बीट 8-10 बीट्स पर मिनट तक होती है। और जब भी वो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाती है या फिर डीप डाइविंग करती है, तब उसकी हार्ट बीट 2 बीट्स पर मिनट तक कम हो जाती है। और फैक्ट वाली बात यह है कि ब्लू व्हेल्स का हार्ट दिल इतना बड़ा होता है कि उसकी हार्ट बीट को आप 2 माइल्स यानी 3.2 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दुनिया की किसी और टॉप थिंग्स और फैक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।